ये है हमारा फूड, ये हमारा बाउल, इधर पाड़ी चल रही है। गाइस दिस इज थर्सडे 2nd of June एंड द टाइम इज अबाउट 12:30। सो नाउ आई विल बी गोइंग टू अ पेट शॉप बिकॉज आई हैव टू गेट सम पेट फूड, रैबिट फूड फॉर माई रैबिट, and that's like a treat to her which is very important because after you know whole meal it is also important to give a little bit of treat, so I'm going to her right now. aisa kuch din hai aap dekho, I feel very lucky actually ki jahan pe main rehti hu na wahan pe itni sari greeneries hai, like being in Mumbai itni sari greeneries and all it's little difficult. ye dekhiye ye hamara garden hai, chhota sa windows pe humne aise plants rakhe hue hain. मेरा घर आप देखोगे ना, इट्स फुल ऑफ मनी प्लांट। मॉम को मनी प्लांट से बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है और उनको ना तरीके आते हैं लाइक हाउ टू ग्रो इट रियली रियली वेल, तो उन्होंने बहुत सारे मनी प्लांट लगा के रखे हैं और हर जगह पे अच्छी अच्छी ग्रोथ है। अभी मैं इंडोर प्लांट्स भी, जो मैंने ये देखे, सो ये है पाम ट्री, बट इसका हमने नाम रखा है लॉकुश क्योंकि हमने साथ में लिया था इसको, तो हमने नाम रख दिया ऐसा लॉकुश। और ये हमारा बैम्बू ट्री, इसकी भी बहुत प्यारी हिस्ट्री है एक्चुअली, जैसे कि सब बोलते हैं ना। और उसको पानी में रखो बाउल में करके, सही दिशा में रखो ये वो, तो काफ़ी अच्छा ग्रो होता है, खिलाना ढमकाना। तो अक्सर क्या होता था कि ये मेरे जो ये बैम्बू प्लांट है ना, आफ्टर फॉलोइंग ऑल द इंस्ट्रक्शंस आल्सो वो ख़राब हो जाता था, तो मैंने क्या किया इसको डायरेक्ट मिट्टी में लगा दिया गमले में। और आज एक बैम्बू प्लांट का आई हैव लाइक 5 to 6 गमलों में और वो बड़े बड़े। सो अपने अपने तरीके होते हैं यार, मतलब कि गार्डनिंग में भी अपने अपने तरीके हो सकते हैं, इवन पेटिंग में, देयर आर सो मेनी थिंग्स, सो दैट्स व्हाट। सो अभी मैं फ़िलहाल मैं जा रही हूँ पेट शॉप में, फटाफट मैं वो काम ख़त्म करके आती हूँ, और कैट डॉग के भी कुछ फूड लेके आने हैं हमारे जो स्ट्रे बेबीज हैं उनके लिए। हाय बेबी, हाय बेबी, आंखें दिखाओ, आंखें दिखाओ, हाय मेरा बच्चा, चलो मम्मा आओ आज शाहिल। ये है हमारा फूड, ये हमारा बाउल, इधर पाड़ी चल रही है। दादाजी ने खाना नहीं खाया, क्यों नहीं खाया, थोड़े से ही खाया बस, फिर भी तू आ गई। साहिल ये तो इसको अलग से देती हूँ थोड़ा। क्या बने तो क्या हुआ हुआ? इट्स ऑलमोस्ट डन एंड आई एम रियली टायर्ड, टाइम हो रहा है रात के 1 बज रहे हैं, जस्ट थोड़ा जो साफ सफाई का काम रहता है रूम का वो खत्म हुआ है, ऑल सेट, बेड सेट, एवरीथिंग सेट, नाउ ऑफ टू स्लीप। एक जन से मिलाती हूँ, ये देखो ये हमारा स्क्वीकी बेबी है, कैन यू सी इट,
स्कूल की बेबी, हमारा स्क्विरल है वो, और वो रही हमारी स्ट्रॉम। इनका भी सब कुछ सेट हो गया है। वो देखो स्क्विकी के टेडी बेयर, ही लव स्लीपिंग देयर ऑन द ब्राउन टेडी बेयर। सीड्स, फूड्स, एवरीथिंग, बेडिंग सेट। ये स्ट्रॉम का है, स्ट्रॉम अंदर नहीं सोती है, स्ट्रॉम ज़्यादातर बाहर ही रहती है, एंड इट इज़ गुड फॉर रैबिट्स एक्चुअली, जितना उनको फ्री रोम दिया जाए। एवरीथिंग इज़ बीन सेट नाउ, इवन आई विल बी ऑफ टू स्लीप, एंड आपको मिलते हैं कल विद अ न्यू व्लॉग, एंड लेट्स सी हाउ डज द डे गो। आज का दिन काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ थी, सो दैट यू विल गेट टू नो। एंड या सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ थम्स अप, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, हेल्प मी टू ग्रो, हेल्प मी टू लर्न। कमेंट में आप टिप्स दे सकते हो हाउ टू ग्रो, एंड या सो गुड नाइट, बाय बाय, शुभ खैर, टेक केयर।